जय हिंद सभी को। तो सोचे कि आज चलते फिरते जो है एसएससी जीडी के जो नए छात्र हैं 2021 वाले, उनको कुछ जानकारी दे दें जो कि उनको भविष्य में दिक्कत ना हो और रिजेक्शन स्लिप लेकर के घर में ना बैठे और उनका जीवन बर्बाद ना हो। समझ रहे हैं, एक छोटा छोटा बात है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। बताते हैं आपको हम अभी कि फॉर्म तो निकलना ही है, चाहे आज ही निकले या 10 दिन के अंदर निकले, निकलना तो ही है। जब एसएससी जब अपना कैलेंडर में दे दिया है तो निकलवे करेगा। हाँ, लेकिन अब ये गारंटी नहीं कि आप हर साल फॉर्म देख सकते हैं, समझे। इसलिए जो आपको मौका मिल रहा है उसका लाभ उठाइए और कुछ छोटा मोटा ऐसा गलती मत कीजिए, ऐसा काबिल मत बनिए जिसके कारण से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। समझ रहे हैं, हम इस पर आज से मंथन नहीं कर रहे हैं। मेरा हो गया लगभग, सोचिए कि 17 का ज्वाइनिंग, उसके बाद अपने में भी कुछ मंथन किए, 2018 वाले पूरा कैंडिडेट का मंथन किए और यही कारण है जो कि आज कैंडिडेट कॉर्नर चैनल से 1 लाख से अधिक स्टूडेंट सिर्फ एसएससी जीडी के हैं, ओनली एसएससी जीडी का, और हमको किसी चीज़ का अनुभव ही नहीं है। और क्यों है मेरे चैनल से अभी तक जुड़े हुए ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उनको शायद कुछ लाभ हुआ होगा इसीलिए वो जुड़े हैं, ठीक है। और अभी तक रिकॉर्ड है, गारंटी है कि आज तक हम किसी को नहीं बोले हैं कि ये घंटा घंटी दवाई है, समझे। तो छोड़िए ये सब बात, आइए प्लॉट पर कि फॉर्म अगर निकले तो क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद आप लोग फिर धर फराने लगिएगा, फिर आप लोग खोजने लगेगा कि कैसे करें, नहीं करें, क्या सोचें। उसके पहले ही आपको हम बता देते हैं कि फॉर्म निकलने के बाद आप लोग धर फराएं नहीं, आप लोग का दिमाग शांत रहे, आप लोग अपना काम कर सकते हैं, मोबाइल से ही बैठ के भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करना है पहले वो समझिए। इसमें बहुत स्टूडेंट इतना काबिल बनते हैं कि उनको लगता है कि हम जो है किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भर देंगे तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा, वहाँ का डोमिसाइल बनवा लेंगे। अब डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र या निवासी प्रमाण पत्र, समझे। जिस प्रकार से आप यूपी के हैं तो यूपी के निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसी प्रकार से कोई सोचता है कि नहीं हम जो है अंडमान निकोबार से भर देंगे, कोई सोचता है कि जो है हम असम से भर देंगे, तो बोलता है हम तमिलनाडु से भर देंगे, कट ऑफ कम जाता है, समझे। तो उसको बता देंगे उसको क्या नुकसान होने वाला है, वो सुन लीजिए। कट ऑफ का तो जितना मंथन हम किए कोई नहीं किया होगा आज संसार में। एक तो मेरा सोचिए कि उधर हम अपना 2 साल तो करवे के होंगे, प्लस 2018 वाला वैकेंसी का 3 साल, 5 साल तक सिर्फ हम यही मंथन करते रहे कि किस प्रकार से कट ऑफ तैयार होता है, फाइनल मेरिट किस प्रकार से लगता है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट, और बाकी इस बार तो 4-5 कैटेगरी हो जाएगा। इस इतना अंदर कोई यूट्यूबर नहीं घुसेगा, समझे। यूट्यूबर तो खैर हम हैं ही नहीं, जब समय मिलता है तो आपसे हम बात करते हैं, समझे। तो ये समझिए कि ये गलती आप ना करें कि आपके मन में ऐसा लगे कि जो है हम दूसरे स्टेट से भर दें, कट ऑफ कम जाता है, सिलेक्शन में, ऐसा मत कीजिए। क्या कि आप लोग जानते नहीं कि रिजेक्शन कैसे आता है, एक बार रिजेक्शन स्लिप आ जाएगा आपके घर में ना, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। 2018 वाले कैंडिडेट से पूछे क्या हालत हुआ है, 2-4 कैंडिडेट का तो हम अपने से ठीक करवाए हैं, प्रॉब्लम था उसको। तो याद रखिए कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें मेडिकल के समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल और एग्जाम के समय कुछ नहीं होता है, मेडिकल के समय मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप उसमें कोई अपना चालाकी ना करें, नहीं तो आप फंसिएगा और फिर कोई काम नहीं देगा, समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट का टोटल आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिस प्रकार से हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, ये सब कुछ कुछ स्टेट हैं जिसके कट ऑफ हाई जाते हैं, तो अगर आप इस स्टेट से आते हैं तो अपना कैपेसिटी बढ़ाइए ना पढ़ने का। आप दिमाग काहे लगा रहे हैं तिकड़मबाजी वाला, लास्ट में फंस जाइएगा, सब किया धरा बेकार हो जाएगा। हम जो देखे जहाँ पे हम लोग का सेंटर था, जहाँ पे हम लोग को ड्यूटी था, वहाँ पे देखे जो लड़का आ रहा था मेडिकल में, इतना सब लड़का को रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन स्लिप तो उस जगह नहीं भेजा, स्कॉलर पकड़ रहा था कि किसी दूसरे के जगह पे आया था मेडिकल देने, स्कॉलर तो फिजिकल में पकड़ाया था, या आप बोल सकते हैं कि गलत डॉक्यूमेंट लेकर के आया था, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, वहीं पर सबको जेल भेज रहा था। तो ऐसा काम मत कीजिए, आप फंस जाइएगा, ऐसा दिमाग मत लगाइए कि जो हम दूसरे स्टेट से भर दें वहाँ से कट ऑफ कम जाता, ऐसा मत कीजिए। प्लस आपके पास जो चीज़ है, एक बात ध्यान रखने वाला बात यह भी है, आप प्रयास कीजिए कि आपके पास कोई भी फर्जी तरीका से आप डॉक्यूमेंट ना बनवाएं, रेसिडेंशियल ही हो, या अगर आप EWS जनरल से अगर बिलोंग करते हैं तो उसका भी जो सर्टिफिकेट बनता है, या SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है सेंट्रल लेवल वाला, उसमें कोई फर्जीवाड़ा ना करवाएं, ठीक है। आधार कार्ड में जो भी रहे दिक्कत सबको पहले चेंज करवा के रख लें, और बिल्कुल शुद्ध शुद्ध, बहुत स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ गलत था, माता पिता का नाम गलत था,
छोटा मोटा गलत रहता है तो हम बोले थे भाई मेडिकल के समय में जो है हैप्पी डिपिट लगवा करके चलो काम चल जाएगा। बहुत स्टूडेंट ऐसा किया और हमको खुशी तब मिलता है, देखिए हमको वीडियो बनाने से कोई लाभ नहीं है, हमको खुशी तब मिलता है जब कोई स्टूडेंट कॉल करके बताता है कि हाँ सर अभी हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं ऐसा ऐसा, बहुत खुशी होता है सर आपसे ये वो, तो खुशी होता है तब जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि हाँ सर सही में आपने बहुत मदद किया। मदद हम बार कर पाएंगे, हम तो अपने यहाँ व्यस्त हैं, लेकिन जब समय मिलता है तब सोचते हैं कि 5 मिनट बोल दें आप लोग के लिए कि भविष्य में कभी याद कीजिएगा। और बाकी आपको पढ़ाने वाला ढेर सारा बड़का बड़का चैनल है, पढ़िए, लेकिन इस प्रकार से देखिए टीचर, हम अपने आप को टीचर नहीं बोलते हैं, लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रकार के लोग होते हैं जो कि लिख पढ़ के समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पे और कलम कॉपी में, और एक मेरे तरह के लोग होते हैं जो कि चलते फिरते जंगल झाड़ में पहाड़ पे बोल रहे हैं और आप लोग उसको समझ रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, वो एक अलग क्वालिटी है। मेरा वाला क्वालिटी अलग है जिसमें आपको भविष्य में लाभ मिलेगा, कोई माइंड में कोई परेशानी नहीं, हंसी मजाक के साथ एकदम चलिए, क्या समझे, हम लोग महिला पुरुष सब वाला बात करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि कोई टेंशन नहीं लेना है किसी को। एक नंबर फॉर्म निकले, फॉर्म भरिए शुद्ध शुद्ध, और कैफे वाला के पास अगर भरिए तो फाइनल सबमिट के सबमिट जब होता है उसके पास जाकर अच्छा से देखिए, चश्मा पहन के देखिए कि वो कुछ गलती नहीं करा जो कि आपको लास्ट में एफिडेविट लगाना ना पड़े। बहुत आदमी का रिजेक्शन स्लिप आ गया था दोस्त, हम बता रहे हैं बहुत आदमी का रिजेक्शन स्लिप आया, ठीक है, इसलिए ये गलती ना करें। मेडिकल के समय तो खैर बात की बात है, अभी मेन टिप्स मेरा आपने फॉलो ही नहीं किया है, फॉलो करने वाला बात की क्या है, हम तो 2021 के बारे में अभी बोलना शुरू ही किए हैं, 2018 वाले पर अभी तक हम बोल रहे हैं। अभी तक सोचिए जितना लड़का ट्रेनिंग में जा रहा है अभी वो कॉल करके हमसे पूछता है, और अभी तक ट्रेनिंग में लड़का जो ट्रेनिंग कर रहा है उसे संपर्क में है, कोई लड़का कभी अमेठी से कॉल करता है तो कभी नीमच से कॉल करता है कभी जोधपुर से कॉल करता है, तो खुशी होता है मन में कि चलिए कुछ दे तो नहीं पाए लेकिन थोड़ा सा बच्चा के मन में खुशी है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आप लोग भी जीवन में सफल हो, और जितना चुतिया इंसान है जो कि आपको रोज़ रोज़ नया नया वैकेंसी निकाल कर देता है, आज 80,000 वही आदमी फिर बोलता है 90,000, फिर वही आदमी बोलता है 50,000, ये सब रोज़ रोज़ वैकेंसी चक्कर में मत पड़िए, सोचिए वैकेंसी तो निकलवे करेगा, वैकेंसी तो आना ही है, गारंटी है, समझे, 10 दिन के बाद आए, आज आए कल आए, आना तो है ही। उसके लिए आप अपना कैपेसिटी को बोल्ड करके रखिए कि नहीं इस बार तो नौकरी लेना ही है कुछ भी हो जाए, समझे, तो उसके लिए आप एक छोटा सा भी ऐसा गलती ना करें जिसके कारण से आपका जीवन बर्बाद हो, फिर आप दलाल के फेरा में पड़िएगा और कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, समझे। बहुत दलाल को हम देखे, बहुत दलाल का रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, और बहुत लड़का सेटिंग करवाया, सब पता है हमको पास, रीमेडिकल में क्या क्या हुआ सब जानकारी है हमको, ठीक है, तो वो सब बात की बात है, अगर जुड़े रहिएगा तो अच्छा लगेगा बाद में, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं हमसे जुड़ने की, चलिए फिर समय मिलता है तो आपसे बात करते हैं, ठीक है, गलती ना करें।